डोनर में आपका स्वागत है। अपन ने पिछली वीडियो में इरर्स के बारे में जान लिया था कि इरर्स क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और कैसे एक्सपेरिमेंट में इरर आती है और उनको कैसे फाइंड करते हैं अपन, वो आज देखेंगे। कौन कौन सी इरर होती है, किस किस तरह से अपन उनको उनको फाइंड कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट में। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है एब्सोल्यूट इरर, यानी कि निरपेक्ष त्रुटि, यानी कि जो इरर आती है अपने रियल वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो अंतर होता है वो इरर होता है, जो अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था कि इरर क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। तो उनमें से एक आती है निरपेक्ष त्रुटि, जो अपन एक्सपेरिमेंट में निकालते हैं। निरपेक्ष त्रुटि होती है कि मान लीजिए अपने पास कोई एक्सपेरिमेंट दिया, उसमें अपन से कहा जाए कि आप इसकी रीडिंग लीजिए और अपन ने मीटर की वैल्यू मान लीजिए ए वन, पहली वैल्यू ए वन आई, दूसरी वैल्यू ए टू आई, तीसरी ए थ्री आई, ऐसे अपन ने कितनी तरह से ले लिए, एन प्रेक्षण ले लिया, यानी कि एन रीडिंग ले ली। तो एब्सोल्यूट इरर क्या होगी, अपन इसका क्या लेंगे, अर्थमेटिक मीन ले लेंगे, क्योंकि एक से अधिक वैल्यू ले ली रीडिंग आ जाती है, तो अपन क्या करते हैं उसका मीन ले लेते हैं। तो इसका क्या ले लेंगे अपन, माध्य, कौन सा, समांतर माध्य, इसे कहते हैं अर्थमेटिक, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन एक तरह से समांतर माध्य वही होता है, यानी कि राशियों का योग, यानी कुल राशियों का योग बटा राशियों की कुल संख्या। तो कितनी है यहाँ पर, एन, एक से लेके एन तक, तो एन, ये ऐसे लिख सकते हैं समांतर माध्य। तो कौन सी, ए प्रेक्षण लिया, एक बहुत ही एक अपन को प्रैक्टिकल है, उसमें अपन से कहा जाए कि उसके उस प्रैक्टिकल की आप रीडिंग लीजिए, तो उसके अपन ने रीडिंग ले ली एक ए वन ले मान ली उसकी रीडिंग, दूसरी ए टू ए थ्री डैश डैश और ए एन तक ले लिया अपन ने। तो उसका अर्थमेटिक मीन एंड समांतर माध्य क्या होगा, अपन जानते हैं माध्य क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी कि राशियों का योग है ए वन है प्लस ए टू प्लस ए थ्री डैश डैश प्लस ए एन, और राशि कितनी, राशियों की संख्या कितनी, एन। तो ये हो गया। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या है, एब्सोल्यूट इरर क्या होगी, कि मान लीजिए जो ए मीन है, ए मीन लिया है अपन यहाँ पर, अगर मान लीजिए अपन को पता नहीं हो कि जो अपन को प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसकी ट्रू वैल्यू क्या है, अगर अपन को ट्रू वैल्यू क्या हो, अननाउन हो, क्या हो, अननाउन हो, अपन जानते नहीं हो ट्रू वैल्यू के बारे में, तो अपन क्या करेंगे कि जो ए मीन है उसी को क्या मान लेंगे, ट्रू वैल्यू मान लेंगे। ये बात ध्यान रखिए आप, कि अगर दिया हुआ नहीं हो कि ट्रू वैल्यू क्या है, तो अपन जो ए मीन है यानी कि समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन है किसी भी राशि का जो प्रैक्टिकल में रीडिंग का, उसी को अपन ट्रू वैल्यू मान लेंगे। तो निरपेक्ष इरर क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिकल वैल्यू एंड विथ प्रैक्टिकल वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, द डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिकल वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, यानी कि, और इसे इसे डेल्टा ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और मोड यानी इसका मैग्नीट्यूड लिया जाता है। ये मैग्नीट्यूड क्यों लिया जाता है मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है, कैसा मैग्नीट्यूड क्यों लिया जाता है। तो अपन से कहा गया है कि निरपेक्ष त्रुटि यानी एब्सोल्यूट इरर क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिकल वैल्यू या फिर मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, और इट रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ए। तो क्या हो जाएगी, डेल्टा ए वन फर्स्ट की निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, ए वन माइनस ए मीन। मैंने अभी बताया आपको कि मान लीजिए कि अपने पास अपन को पता नहीं हो कि ट्रू वैल्यू क्या है, तो ए मीन को अपन ट्रू वैल्यू मान लेते हैं, और ए वन क्या है, प्रैक्टिकल वैल्यू यानी कि मीजर्ड वैल्यू, कौन, ए वन है, तो इसको डेल्टा ए वन, और इसमें मोड लगा देते हैं अपन। मोड इसलिए लगाते हैं, मान लीजिए कि कोई अपन ने मान ली ए वन है, एक है, ए टू है, तीन है, ए थ्री है, चार है, ऐसे मान लीजिए कि ए पाँच तक ले लिया अपन ने, ठीक है,
ए तीन, ए फोर क्या है, एक दो तीन चार और पाँच, इसे ले ली। अब इसकी ए मीन क्या हो जाएगा, इसका इसका ए मीन हो जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव अपॉन फाइव। टोटल कितना हो गया, फाइव प्लस फोर नाइन, नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन, फोर्टीन प्लस वन फिफ्टीन, फिफ्टीन अपॉन फाइव हो गया ना, ये कितना हो गया थ्री। अब जो ए मीन आया वो कितना आया, थ्री आया, जबकि ए वन क्या है, इससे छोटा है, तो ये माइनस में। जैसे अभी यहाँ पर अपन लेंगे, मान लीजिए अपन को डेल्टा ए वन निकाला जाए, कहा जाए कि निकालो, तो क्या हो जाएगा, ए वन की जगह वन माइनस ए मीन की जगह थ्री, इस फॉर्मूले की तरह, तो क्या आ जाएगा माइनस टू में। तो अपन क्या करते हैं, जो एब्सोल्यूट एरर है वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि अगर अपन इसको नहीं लगाएंगे मैग्नीट्यूड को, यानी कि मॉडुलस को नहीं लगाएंगे मोड को, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में आ सकती है। इस वजह से अपन क्या है, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, जिससे वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो ऐसे ही डेल्टा ए टू निकालेंगे, तो अभी ए टू माइनस ए मीन आ जाएगा, वैसे डैश 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 डेल्टा ए एन क्या आ जाएगी, ए एन माइनस ए मीन। तो ये हो गई एब्सोल्यूट एरर, ऐसे निकालते हैं, आपसे कहा जाएगी एब्सोल्यूट निकालिए, एरर निकालिए जो आपने रीडिंग ली है उसकी, तो आप ऐसे निकाल दोगे आराम से, क्योंकि आपके पास पूरी टेबल होगी, आपने जो रीडिंग ली है वो उसका मीन निकालोगे आप, और उसमें से ऐसे माइनस करते जाओगे जैसे इसमें कर रखा है। अगर मैग्नीट्यूड नहीं लगाओगे, यानी मोड नहीं लगाओगे, तो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, और अगर मोड लगा देते हो तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव में आती है। ठीक है, अब अगली एरर है, अगली एरर पढ़ते हैं अपन, रिलेटिव एरर यानी कि सापेक्षिक एरर या आपेक्षिक एरर। ऐसा करते हैं, उसको पढ़ने से पहले अपन क्या करेंगे, इसका भी मीन ले लेंगे, इसका भी मीन ले लेंगे, यानी कि जो निरपेक्ष त्रुटि है, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि एक और आ जाती है, क्योंकि अपन को अगर रिलेटिव एरर निकालनी है तो उससे पहले अपन को पता होना चाहिए कि मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है और कितनी है। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगी, जो अपन ने जो एब्सोल्यूट एरर निकाली हुई है, डेल्टा ए वन, डेल्टा ए टू, डेल्टा ए थ्री डैश 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 डेल्टा ए वन, इनका अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन आ गया ना, आ गया तो मीन, तो यानी कि डेल्टा ए मीन इक्वल्स टू डेल्टा ए वन, और क्या है इसमें मोड लगा हुआ है, ये बात आप ध्यान रखें, भूल ना मत इसको, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर हमेशा मोड में लगेगी, क्योंकि पॉजिटिव मैंने आपको बता दिया है, आप समझ गए होंगे कि इसको पॉजिटिव क्यों, इसको मोड में क्यों लेते हैं। तो डेल्टा ए मीन क्या हो जाएगा, डेल्टा ए वन मोड प्लस मोड ऑफ डेल्टा ए टू प्लस मोड ऑफ डेल्टा ए थ्री प्लस डैश डैश मोड ऑफ डेल्टा ए वन, और नंबर ऑफ टोटल क्वांटिटी कितना है या नंबर्स कितने हैं, n, ऐसे n ही है वो, तो कितना भी अगर यहाँ भी n ही है, क्योंकि मोड में ले लिया, उसका मतलब क्या हो, तो जो एब्सोल्यूट एरर है वो भी तो n नंबर हैं, n नंबर की जितनी रीडिंग है उतनी उसकी उतनी ही तो होगी, ज़्यादा थोड़ी होगी या कम थोड़ी होगी, तो यहाँ पर n, तो डेल्टा ए मीन भी अपने पास आ गया है। अब अपने आगे आती है, आपको समझ में आ गए होंगे कि मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर क्या है, दोनों में क्या है। अगर एब्सोल्यूट एरर का मीन ले लिया जाए तो वो मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी, यानी कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगी। अब अपन चलते हैं अपनी आगे रिलेटिव एरर पे, यानी कि अपेक्षिक त्रुटि या सापेक्षिक त्रुटि पे। ज़्यादातर प्रैक्टिकल में अपेक्षिक त्रुटियाँ निकालवाई जाती है, रिलेटिव एरर्स यानी कि सापेक्षिक या आपेक्षिक त्रुटि। जैसा कि आप शब्द में देख रहे हो सापेक्ष, रिलेटिव किसके रिलेटिव, तो जो रिलेटिव एरर है उसका फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, किसके रिलेटिव होगी, किसके सापेक्ष होगी, ए मीन के सापेक्ष, यानी कि द रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर विद द
मीन वैल्यू, ठीक है, मीन वैल्यू है ना, ओ पे फिजिकल क्वांटिटी ए, यानी कि तो ये क्या होगी, रिलेटिव इरर होगी, यानी ए मीन के रिलेटिव। ए मीन क्या है, किसी भी अपन को मान ली कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसकी वैल्यू है बहुत सारी, या भी किसी प्रैक्टिकल में उसकी रीडिंग है बहुत सारी, उसका माध्य जो अपन ने फर्स्ट में चेक किया है कि ए मीन के कैसे निकालते हैं, उसका माध्य और जो एब्सोल्यूट इरर है उसका मीन, तो दोनों का जो रेशो आया मीन एब्सोल्यूट इरर और मीन का, उन दोनों का रेशो किसके बराबर होता है, रिलेटिव इरर यानी कि अपेक्षित त्रुटि के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, अपेक्षित त्रुटि के बराबर होता है, अपेक्षित त्रुटि के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि क्या कह देंगे, द रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट इरर विद द मीन वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी ए। ये बात ध्यान रखिए हमेशा, ज़्यादातर प्रैक्टिकल में जो आपसे निकलवाई जाती है वो रिलेटिव इरर निकलवाई जाती है, और इसी को रिलेटिव इरर को अगर अपन परसेंट में निकाल लेते हैं तो परसेंटेज इरर हो जाएगी, यानी कि अगर क्या है परसेंटेज इरर, अगर जो रिलेटिव इरर है यानी कि प्रतिशत त्रुटि, अगर रिलेटिव इरर है उसका अगर अपन प्रतिशत निकाल लें तो वही कहलाती है परसेंटेज इरर या प्रतिशत त्रुटि, यानी कि डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100, प्रतिशत निकालते हैं तो क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये किस में आ जाएगी, प्रतिशत त्रुटि। तो प्रैक्टिकल में, ज़्यादातर प्रैक्टिकल में हमेशा अपन या तो रिलेटिव इरर निकालते हैं या फिर परसेंटेज इरर निकाल, क्योंकि रिलेटिव इरर निकाल ली तो उसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज इरर आ जाएगी। तो अपन ने देख लिया है कि प्रैक्टिकल में जो रीडिंग लेते हैं उनकी इरर कितने प्रकार की होती है और किस किस तरह से अपन उसकी इरर को निकाल सकते हैं।